कितने आदमी थे? दो थे सरदार। और वो? उन्हीं की बात कर रहा हूँ सरदार, वो दो थे। और तुम? हम तीन थे सरदार। वो दो और तुम तीन, मतलब उनका एक ज्यादा था? नहीं सरदार, हमारा एक ज्यादा था, हम तीन थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक ज्यादा होता तो बराबर होता। नहीं सरदार, अगर उनका एक ज्यादा होता तो बराबर होता। एक आदमी एक्स्ट्रा था, कौन था एक्स्ट्रा? हा? अरे ओ कालिया, जब ये दो आदमी वहां जा रहे थे तो इनके साथ लटक के जाना जरूरी था, वहां तेरी बहन की शादी थी। हा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे सरदार, हम डांडिया खेलने थोड़ी गए थे कि अपना पार्टनर ढूंढने बैठते, और वैसे भी तुम्हारे चाहिए वो सामान ही तो कहा था कि ज्यादा आदमी लेके जाना, दो से बेहतर तीन आदमी लेके जाना। दो से बेहतर तीन, अब ये दो कितना होता है रे सरदार? जब एक और एक मिलता है तब दो होता है सरदार। और तीन? सरदार जब दो में एक मिल जाता है तो तीन हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन, ये तो मिलावटी कंफ्यूजन है। अरे कौनो कंफ्यूजन नहीं है सरदार, अगर बचपन में कभी स्कूल गए होते तो आज ही दिन देखने की नौबत नहीं आती। एक तो वैसे ही गांव में सबन पड़े, ऊपर से तुम उस ठाकुर के हाथ कटवा दियो, अब उस लेड और चौक पकड़े तो कैसे समझाओ हमको कैसे? और बड़ी मुश्किल से वो मौलाना का छोकरा, का नाम था उसका? अहमद। हाँ अहमद को पकड़ के लाए थे, गांव का सबसे पढ़ाकू छोकरा था वो, लेकिन नहीं, मार दो उसको भी मार दो, अब क्या खेलो बैठ के पिट्ठू? खामोश, सबको बताना जरूरी था। सॉरी सरदार। अरे ओ कालिया, सरकार ने कितना इनाम रखी है रे हम पे? सरदार 5 रुपए। ये 5 रुपए में कितना लीटर गुड़ आ जाता है रे? अबे अनपढ़, गुड़ लीटर में नहीं किलो में आता है, होली पे खाते नहीं होगा? होली कब है होली? चार सरदार चार को बसंती नाचेगी। चार को, अभी चार दो से पहले आता है या तीन के बाद? अरे नाटक गब्बर वाला बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन बच्चों ने प्रस्तुत किया।